मेरी प्यारी सी पत्नी क्या सोच रही है? हम दोनों ने कितना कुछ सहा है इस कमरे में। हाँ, पर क्या तुम्हें डर लग रहा है? शुक्र है खुदा का जो मैं इस कमरे में दुनिया की सबसे खुश इंसान बनकर आई हूं। डर यही लगता है कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं होगा ना, और क्या होगा अगर मेरी नींद खुल गई। ये सच है, तुम, मैं, हमारा प्यार, हमारी शादी, अभी, कल, ये सब सच है। और अब हम घर पर हैं, एक दूसरे के साथ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, और अब मैं हमारी खुशियां किसी को छीनने नहीं दूंगा। क्या हुआ? हमें रिचुअल्स नहीं तोड़ने चाहिए। शादी के बाद ये हमारी पहली रात इस कमरे में है। और क्या इस परंपरा में दुल्हन का ड्रेस और दूल्हे का सूट नहीं होगा? आज से 10 साल बाद या उससे ज्यादा हम अपनी शादी दोबारा करेंगे, तब हम सब कुछ ठीक से करेंगे। ओके, हमारा एक जैसा सपना तो नहीं हो सकता, या हो सकता है? देखो, जो कुछ भी हमने सहा है वो मैंने तुम्हें सच सच बता दिया है। देखो तो, इन्होंने सब सोच के रखा है। ये ओया का काम होगा, वो ये सब अच्छे से जानती है। अब हमें तैयार होना चाहिए, वो हमारा हॉल में इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। नहीं, पर उन्हें इंतजार करवाना ठीक नहीं है। हमारी नई नई शादी हुई है, और इसमें गलत क्या है कि मैं अपनी पत्नी के साथ अकेला रहना चाहता हूं? हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, अब हम जितना चाहे अकेले वक्त बिता सकते हैं। लेकिन अभी वो लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं।